केंद्र सरकार ने इसको मुफ्त पे दे रही है, फिर उस पर ये बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं ये कहूँगा कि सारी दुनिया मोदी जी के नेतृत्व और भारत सरकार का जो परफॉर्मेंस है कोरोना के मुकाबला करने में, इसको प्रशंसा कर रही है। और इसका कारण है कि 10-11 महीने पहले जैसे लगता था कि हम भारत में इसका मुकाबला कर नहीं पाएंगे, हमारे कई कमियां हैं, हमारे पीपी किट्स यहाँ नहीं बनते थे, वेंटिलेटर्स के शॉर्टेज थे, ये दिक्कतें को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो सका है। हम अभी दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं पीपी किट्स में, और वेंटिलेटर्स जितने हमारे आवश्यक हैं यही देश में बनते हैं। और उसी तरह वैक्सीन के प्रोग्राम में खुद प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लेकर जो पुश दिया, उसके वजह से बहुत ही जल्दी यहाँ भारत में भी वैक्सीन आ गए हैं। और इसके रोल आउट के लिए कई हफ्तों से, कई मैं तो देख रहा हूँ 2-3 महीने से इसकी कार्यक्रम चल रहे हैं, और अभी घोषित हो चुका है कि ये बुक में दिया जाएगा पहला फेज में। तो इस पर बहस करने का कोई एक सवाल सर बहुत जरूरी है, कुछ चुनौतियों के अवसर में प्रधानमंत्री ने तब्दील किया, दिल्ली आपके सामने बड़ी चुनौती है, बाद दिल्ली नगर निगम की करेंगे, वित्तीय स्थिति संकट जो है वो लगातार उनका जो है खराब होता जा रहा है, कर्मचारी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करेगी, उपराज्यपाल का हस्तक्षेप करेंगे, और जो पैसा जो आप 13,000 करोड़ की बात कर रहे हो 2500 करोड़ का घोटाले के आरोप आप लगा रहे हैं, तो कैसे कहां समाधान है, कहां रास्ता है? कोई 2500 करोड़ का घोटाला नहीं है, इस पर विज्ञापन दिया गया है विद फुल डिटेल्स। मैं अनुरोध करूंगा कि वो विज्ञापन को लोग पढ़िए। और लेकिन ये सच है कि 13,000 करोड़ जो ड्यूज है दिल्ली सरकार जो उनका देना चाहिए नगर निगम को, वो नहीं दिए हैं, उसके लिए जो सैलरीज वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, और जो जैसे कि वेस्ट रिमूवल गंदगी का मैनेजमेंट, इसके लिए दिक्कतें होते हैं, ये सब पता है। और इस पर धीरे धीरे ये पब्लिक आई में आ रहा है, क्योंकि आंदोलन की वजह से लोग सच्चाई से जान पा रहे हैं। थैंक यू।